हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। इतना तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि कल 27 मार्च को एडमिट कार्ड इशू नहीं करने वाला है एनटीए, क्योंकि ये ऑफिशियल रूप से जारी हो चुकी है खबर। वो हम आपको इस वीडियो में दिखा भी देंगे। नीट 2020 भी अब पोस्टपोन हो ही गया है, क्योंकि कल एडमिट कार्ड नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि पोस्टपोन हो गया है। अब एडमिट कार्ड जो बोला गया है कि वो 14 अप्रैल के बाद डिसाइड किया जाएगा कि अगर कुछ कंडीशन में सुधार आता है तब देखते हैं कि डिसाइड फैसला लेंगे 14 अप्रैल को तो कि कब तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाए। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। इसमें अब कोई भी क्वेश्चन करने वाली बात तो है नहीं। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे कमेंट भी करेंगे कि एडमिट कार्ड जो है 14 अप्रैल को लॉकडाउन बंद होगा, 15 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 3 मई को जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एनटीए के अंदर जो हमेशा ऐसा ही होता है कि एक महीने पहले जो है आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सबका अच्छे से प्रबंधन कर लिया जाए और एक महीना कम से कम ले लेते हैं वो एडमिट कार्ड आने के बाद। तो एडमिट कार्ड आपका जो है 27 मार्च को नहीं आएगा और आपके एडमिट कार्ड जो है 14 अप्रैल के बाद देखा जाएगा कि कब तक रिलीज किया जाए अगर कंडीशन में सुधार आता है तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम जो है अब कम से कम जून तक तो स्थगित कर दिया गया है। हो सकता है कि जुलाई में भी आपका एग्ज़ाम ये हो। जून में भी कोई पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो दोस्तों आपको जो है घर बैठ करके अपनी तैयारी करनी है। आपको जो एक्स्ट्रा समय मिला है, और एक तो आपको घर में ही रहना है पहली बात तो, क्योंकि कोविड-19 के जो अगेंस्ट जो है हमको लड़ना है और उससे जीत प्राप्त करनी है। तो घर में रहते हुए पढ़ाई करनी दोस्तों बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी करिएगा आप, घर से बाहर जितना कम हो सके उतना आइएगा, ज़रूरत हो तभी आइएगा, और वो भी घर का कोई एक सदस्य ही। तो घर पर रह करके आप अपनी तैयारी कीजिएगा अच्छे से, और अब की बार जितना ज़्यादा हो सके उतना स्कोर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी जो है पीक टाइम पर थोड़ा और समय मिल जाता है तो आपको जो है वो सोने पर सुहागा होता है। मतलब कि अभी आपका 3 मई को एग्जाम होने वाला था, लगभग आपकी स्टडी जो है कंप्लीट हो चुकी होगी, और अब जो है आपकी कमी कहां पर थी वो भी आप देख सकते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं अपनी स्टडी को आप, और सभी चैप्टर को एक बार रिवाइज कर करके अच्छे से आप जो है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उनको अच्छे से तैयार कर लें। आपको जो है नीट के अंदर अच्छा स्कोर आएगा। आप सभी को जो है शुभकामनाएं हमेशा रहती है हमारी कि नीट आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। अब जो है ऑफिशियल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सोर्स लिया हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों, आप जाके भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ए सीनियर एनटीए ऑफिशियल, वी विल नॉट बी इशूइंग द एडमिट कार्ड ऑन मार्च 27, 2020 एज शेड्यूल्ड। द न्यू डेट फॉर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड लेटर फॉलोइंग ए रिव्यू ऑन अप्रैल 14, 2020। एक बार रिव्यू देखा जाएगा 14 अप्रैल 2020 को कि क्या कंडीशन में कोई सुधार आता है या नहीं आता। उसके बाद जो है आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की एग्जाम डेट आएगी या उसके बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम सिंपल सी बात है पोस्टपोन हो गया है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने वाली बात है नहीं। सिंपल से आप घर में बैठिए, अपनी तैयारी को बढ़ाइए आगे, और जून तक आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, और आप भी इतना तो जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम लगभग पोस्टपोन हो गया है, और इसका बस ऑफिशियली रूप से वेबसाइट के ऊपर आना का एक बार वेट है, जो 14 अप्रैल तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद ही आपको कुछ अपडेट यहां पर एनटीए की वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।